हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों फिर हाजिर है आपका जेके एक और न्यू वीडियो के साथ, एक और दमदार वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज आपको देने वाला हूँ खुशखबरी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लाठी का पूरी ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बूस्ट अप पूरा शुरू से लेके आखिरी तक आपको पार्ट वन पार्ट टू करके सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो स्टार्ट होता है पैतरे चलने से। दोस्तों इस तरीके से जो कदम चलते हैं उसको बोला जाता है दोस्तों पैतरे चलना, क्योंकि अगर आपके पैतरे नहीं चले जाएंगे, आपके पैर सही नहीं चलते हैं, तो आप भूल जाइए कि आप जो लाठी है वो सही तरीके से घुमा सकते हो और लाठी को जो है सीख सकते हो, ठीक है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको बीच में से कैसे भी सिखाऊँ और फिर आपको लाठी लगे, या आप कहीं अगर परफॉर्म करते हो तो आप सही तरीके से परफॉर्म ना कर पाओ और फिर आप बोलो कि यार भाई ने गलत सिखाया है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको छुपाने नहीं वाला हूँ, हम क्या करने वाले दोस्तों पार्ट वन से सीखने वाले, ठीक है। अगर आप मुझे फॉलो करते हो और टोटल पार्ट देखते हो तो आप ये समझ लीजिए लाठी का आपको कंप्लीट कोर्स में सिखाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको पहला आज का जो हमारा पार्ट है वो है पैतरे चलना, लकड़ी को किस तरीके से पकड़ा जाता है और जो पैतरे जो है वो किस तरीके से चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो खड़ा होना होता है उसको बोलते हैं पैतरे पे खड़ा होना, ठीक है। हम लाठी जब भी चलाते हैं या लाठी का यूज़ कर सकते हैं तो हम इस तरीके से नहीं खड़े होते दोस्तों, हमारे दोनों पैर ऐसे नहीं होते, ठीक है। हम इस तरीके से रहते, या तो ये पैर हमारा आगे होगा या तो ये पैर हमारा आगे होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जो है हमारे पैर रहेंगे, ये हो गया पहला बात, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, हम लाठी इस तरीके से पकड़ते हैं तो लाठी कभी भी हम जब पैतरे चलते हैं तो लाठी हम सेंटर में नहीं पकड़ते, ठीक है। हम पकड़ते हैं इस तरीके से ऊपर नीचे, हमारा जो लाठी का सिरा है वो आगे रहता है और कम से कम दोस्तों पीछे हम एक फिट लाठी ज़रूर छोड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि लाठी हमारे हाथ से छूटने का डर रहता है, लेकिन अगर हम एक फिट लाठी छोड़ते हैं तो आपका ये डर निकल जाएगा कि आपके हाथ में से जो है लाठी छूटेगी, ठीक है। अब हम इस तरीके से पकड़ेंगे दोस्तों, देखिए एक हाथ हमने इधर से पकड़ा तो ये जो हाथ है हमारा दोस्तों वो इधर से आएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमारी जो लाठी है वो पकड़ी जाती है। अब कई बार दोस्तों लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि हम ये हाथ ऊपर रखें या ये हाथ ऊपर रखें, तो आपको बता रहा हूँ दोस्तों लाठी अगर आप परफेक्ट तरीके से सीखना चाहते हो, लाठी में आपको कोई भी चीज़ में नुकसान नहीं चाहिए, चाहते हो आप कि आपको लाठी ना लगे, और दूसरी बात जब भी आप परफॉर्म करो तो आपके हाथ से लाठी ना छूटे, उसके लिए हम हमेशा उल्टा हाथ आगे रखेंगे, ठीक है दोस्तों। हमेशा, ऐसा नहीं है कि आज बता रहा हूँ मैं आज ही, हमेशा कभी भी लाठी घुमाएंगे कुछ भी करेंगे तो हमारा उल्टा हाथ हमेशा आगे रहेगा, इस तरीके से हम पकड़ेंगे। अब आती है दोस्तों पैतरे चलने के बाद, ठीक है। इस तरीके से आपको बताता हूँ, देखिए ये हम पैतरे पे खड़े हो गए इस तरीके से। अब हमारा पैतरा कैसे चलेगा दोस्तों, ये हमने सर पे से निकालना है इस तरीके से, देखिए ये, ठीक है। तो हमको पैतरा इस तरीके से चलना है, लाठी का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हम पीछे की तरफ डालेंगे। लाठी जब भी चलेगी दोस्तों पीछे के साइड से घूमती है, आगे साइड से नहीं घूमती है, ठीक है। तो आपको बता रहा हूँ ये हमने रखा इस तरीके से खड़े हो गए, अब हम पैतरे चलेंगे देखिए इस तरीके से। और ये जो हमारा पैर है दोस्तों ये भी साथ में चल रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखिए मेरा जो फेस है वो आपकी तरफ है, ठीक है, लेकिन जब हम एक पैतरा चलेंगे तो हम पूरा अपोजिट हो जाएंगे, हमारी जो पीठ है वो आपकी तरफ हो जाएगी, ठीक है। ये खड़ा हुआ दोस्तों, अब हम ये पैतरा चले तो देखिए ये इस तरीके से, याद रखिए ये हम खड़े हुए दोस्तों, ये हमने पहला पैतरा चला ये। अब आपको ध्यान रखना है जब आप पैतरे चल रहे हो तो नज़र आपकी लाठी के इस सिरे पे होना चाहिए, लाठी के मुंह पे आपकी नज़र, ठीक है। ये हमने लाठी पे नज़र रखी दोस्तों, ये हमने पैतरा चला, हम पूरे चेंज हो गए लेकिन हमारी जो नज़र है वो सामने है। तो दोस्तों अब आपको बताता हूँ, देखिए हमको पैतरे कैसे चलना है, ये हमने रखा, हम इस तरीके से चले, हमारी नज़र सामने है, लाठी के इस सिरे पे हमारी नज़र है, ठीक है। फिर हम वापस लाठी को इधर पीछे डालेंगे और इस तरीके से जो है हमारे पैतरे चलेंगे, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, पैतरे आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चलना चाहिए, ये नहीं हो रहा कि हम इस तरीके से चल रहे हैं यहीं के यहीं, ये सामने 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 नहीं चलना चाहिए। आपका फेस पैतरे चलते टाइम अगर इस साइड में है, याद रखिए आपका जो छाती वाला हिस्सा है वो अगर इधर है तो एक पैतरे के साथ में चेंज हो जाना चाहिए। देखिए इस तरीके से बता रहा हूँ, ये रखे हमने, अभी हमारा छाती किधर है, इस साइड में पीठ इधर, ये अब हम ये एक लाठी के साथ में पैतरा चले तो ये हमारा पूरा चेंज हो गया, ठीक है। छाती इधर हो गई, पीठ उधर हो गई, तो इस तरीके से जो है वो आपको चलना है, ठीक है। तो दोस्तों
यही आज का पहला पार्ट। मैं चाहता हूँ कि आपको कंप्लीट चीज़ें सिखाऊँ, इसीलिए मैं ज़्यादा इसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं सिखा रहा हूँ। आज का जो पहला पार्ट है वो ओनली पैंतरे चलने पे है, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।